फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी को 307 की वारदात को अंजाम देने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने 4 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने बीते जुलाई के महीने में 307 की वारदात को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि ये चारों आरोपी फरीदाबाद के रहने वाले हैं, जिनमें से 3 आरोपी मुजेड़ी और 1 आरोपी नीमका गांव का रहने वाला है। मुजेड़ी के 3 आरोपियों में से 2 आरोपी नेशनल और इंटरनेशनल ताइक्वांडो और किक बॉक्सिंग के खिलाड़ी रह चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हमारी जो क्राइम ब्रांच है, फरीदाबाद क्राइम ब्रांच है, उसको एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 307 है, जुलाई महीने में एक लड़ाई झगड़ा हत्या के प्रयास का एक मुकदमा दर्ज हुआ था सिटी बल्लभगढ़ पुलिस स्टेशन में। उसमें 3 महीने से फरार थे, तो 4 मुलजिम हैं जो आरोपी हैं उनको हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें सोनू मुजेड़ी का रहने वाला है। इसके खिलाफ पहले से 13 मुकदमे दर्ज हैं और ये 5,000 का इनामी भी है। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि पूछताछ में आया, इन्होंने बताया कि ये ताइक्वांडो का प्लेयर है और ये इंटरनेशनल लेवल पर नेपाल में 2008 में इसको सिल्वर मेडल भी मिला था और नेशनल लेवल पर 6 गोल्ड मेडल भी इसको मिल चुके हैं। बाकी इसमें जो 13 मुकदमे दर्ज हैं वो हत्या के प्रयास, लड़ाई झगड़े, अवैध वसूली, आर्म्स एक्ट के हैं। दूसरा जो आरोपी है लोकेश, ये भी मुजड़ी का रहने वाला है और इसके खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं और इस पर भी 5,000 रुपये का इनाम है। ये बॉक्स स्टेट लेवल पर खेल चुका है और ये बॉक्सर है, नेशनल लेवल पर भी ये बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट कर चुका है। तो तीसरा मुलजिम है वो मनोज और धौलू है, उसके खिलाफ भी 4 मुकदमे हत्या के प्रयास मारपीट लड़ाई झगड़े हैं के दर्ज हैं और ये नीमका का रहने वाला है। जो चौथा मुलजिम है वो सुमित और कल्लू है और इसके खिलाफ पहले से 2 मुकदमे दर्ज हैं और ये मुजड़ी का रहने वाला है। जैसा कि इनसे पूछताछ में पता चला है कि सोनू ने बताया है कि ये इसका शुरुआत में कोई पारिवारिक लड़ाई झगड़ा हो गया था और उसकी रंजिश की भावना को रखते हुए, बदला लेने की भावना को रखते हुए इस क्राइम की दुनिया में आया। उसके बाद ये अपना एक रुतबा इस क्षेत्र में, जो पहले से गैंग बने उनमें और लोगों में जमाना चाहता था और अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था, तो ये इस ग्रुप का मुखिया होकर बाकी लोगों को 6-7-8 लोग हैं उनको ये शामिल करके, उनको हथियार प्रोवाइड करके और वारदात करवाता रहता था। आपको बता दें कि ये चारों आरोपी गिरोह बनाकर वारदात को अंजाम दे रहे थे। इनके कब्जे से पुलिस ने 5 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 1 राइफल और करीब 1 दर्जन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। डीएसपी ने बताया कि इन चारों आरोपियों पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनके चलते इनमें से कई आरोपियों पर इनाम भी रखा गया था। फिलहाल पुलिस द्वारा इन आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है और ज्यादा जानकारी पुलिस द्वारा जुटाई जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।